गुड मॉर्निंग क्लास नर्सरी बच्चों, सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश राइम्स। तो चलिए ओपन कर लीजिए आप भी अपनी राइम्स बुक, सिंग ए सॉन्ग, और ओपन करेंगे आप पेज नंबर 7 जिसमें है आपकी इंग्लिश राइम्स लिटिल रॉबिन। तो यहाँ पे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या है, एक चिड़िया है पेड़ में बैठी हुई जिसका नाम क्या है, रॉबिन। इस छोटी चिड़िया का नाम है रॉबिन। तो यहाँ पे लिटिल रॉबिन, छोटी चिड़िया के बारे में बताया जा रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं हम, आप भी सुनिए फिर याद करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, पिट पैट वेल अ डे लिटिल रॉबिन फ्लू अवे। Where can little Robin be? He has gone into the cherry tree. Pit-pat-well-a-day, little Robin flew away. Where can little Robin be? He has gone into the cherry tree. Pit-pat-well-a-day, little Robin flew away. Where can little Robin be? He has gone into the cherry tree. तो यहाँ पे छोटी चिड़िया के बारे में बताया जा रहा है कि एक दिन क्या वो हंसी खुशी उछलते कूदते कहीं दूर उड़ गई। लिटिल रॉबिन फ्लू अवे, एक दिन दूर उड़ गई। और वेयर कैन, यहाँ फिर पूछा जा रहा है कि वेयर कैन लिटिल रॉबिन बी, और रॉबिन लिटिल रॉबिन कहाँ हो सकती है, कि कहाँ मिल सकती है हमें, वेयर कैन लिटिल रॉबिन बी, कहाँ हो सकती है लिटिल रॉबिन। ही हैज़ गॉन इनटू द चेरी ट्री, अब वो कहाँ गई है, चेरी ट्री के, चेरी के पेड़ में चली गई है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, पिट पैट वेल अ डे लिटिल रॉबिन फ्लू अवे, वेयर कैन लिटिल रॉबिन बी, ही हैज गॉन इनटू द चेरी ट्री। तो आप भी बच्चों आज लिटिल रॉबिन पोयम सुनकर फिर लर्न करने की कोशिश कीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।